राहुल गांधी ने इन लोकसभा चुनावों में दो सीटों पर बंपर जीत हासिल की, लेकिन उनके सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया है कि वो रायबरेली की सीट छोड़ेंगे या वायनाड की। इसी को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान भी दिया है, उसके साथ साथ प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने एक सिग्नल भी दिया है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड सीट से चुनाव जीते हैं। राहुल ने दोनों ही सीटों पर बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की। 11 जून को राहुल और प्रियंका रायबरेली गए थे, जहां उन्होंने बंपर जीत के लिए जनता का आभार जताया। तो वहीं 12 जून यानी कि कल राहुल केरल के वायनाड गए, यहां भी उन्होंने बड़ी जीत के लिए पब्लिक को धन्यवाद कहा। लेकिन वायनाड में ही राहुल ने अपनी एक सीट छोड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया। पहले उन्होंने धन्यवाद दिया, फिर लगे हाथ ये भी पूछ लिया कि मैं कहां से सांसद रहूं, रायबरेली या वायनाड। इस बीच भीड़ ने जवाब दिया कि वायनाड। उसके बाद राहुल ने जो कहा सुनिए। आई हैव ए डायलेमा इन फ्रंट ऑफ मी। द क्वेश्चन इज Will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? I will commit to you is that both Wayanad and Raebareli will be happy with my decision. इससे पहले राहुल ने रायबरेली में अपनी जीत के लिए प्रियंका गांधी का शुक्रिया अदा किया था और कहा था कि प्रियंका के लिए उनके पास एक प्लान है। राहुल के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है, खुद नीतीश कुमार एनडीए की हिस्सा है वो। कल और ओडिशा और आंध्र प्रदेश में कल शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। अब नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने के भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कल अचानक सियासी हलचल उस वक्त तेज हो गई जब नीतीश कुमार ओडिशा और आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। कल ओडिशा में जहां बीजेपी सरकार का गठन हुआ और मोहन मांझी ने सीएम पद की शपथ ली, तो वहीं आंध्र प्रदेश में भी एनडीए सरकार का आगाज हुआ और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू और मोहन मांझी के शपथ ग्रहण समारोह से नीतीश कुमार की दूरी ने विपक्ष को निशाना साधने का मौका दे दिया है। विपक्ष का दावा है कि एनडीए में चीजें बिगड़ने की शुरुआत हो चुकी है। जब कयासों का दौर शुरू हुआ तो नीतीश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों मुख्यमंत्रियों को बधाई दी। सबसे पहले नीतीश ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को शुभकामनाएं दी और लिखा कि चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। इसके बाद नीतीश कुमार ने ओडिशा के नए सीएम मोहन मांझी को बधाई दी। नीतीश ने लिखा, मोहन मांझी के नेतृत्व में ओडिशा के विकास को गति मिलेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।